हाय एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पे। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। आज का, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में या और भी वीडियो में मेरे सुन रहे होंगे कि मैं फिटकरी का यानी एलम का मैं अभी ट्रायल ले रही हूँ कि क्या बोलते हैं वो सूट करता है कि नहीं करता है और दाग धब्बों को रिमूव करता है कि नहीं करता है। तो मैं 15 डेज तक कर चुकी हूँ, पहले ही बता दो। अब मैं आपको रिजल्ट बताऊँगी कि वो क्या काम किया, सही में किया कि नहीं किया या मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सब बताऊँगी। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो को देख के और कमेंट मत करिएगा, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा फिर कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़िया। तो मैंने 15 डेज तक इसको यूज़ किया है और मैं यहाँ पिक्चर लगाती जा रही हूँ और आप देखते जाइए, ठीक है? तो मैंने 15 डेज तक इसे यूज़ किया। तो पहले मैंने स्टार्टिंग जो किया वो डे में किया। मैं क्या करती थी, जब मॉर्निंग में उठती थी मैं और उसको चेहरे पे थोड़ा को पहले फिश वॉश करती थी, फिर चेहरे पे लगा के और सारे घर के काम निपटाती थी, फिर जाके बाथ ले लेती थी। ये मेरा प्रक्रिया था, मतलब रूटीन में बन गया था। लेकिन जब मैंने 7 डेज किया तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं रात को करूं। तो मैंने 7 डेज के बाद रात को अप्लाई करना चालू कर दिया। तो मैं रात को जब सोने के टाइम में जाती थी और वहाँ पे मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करती थी और फिर मैं उसे, मैं डे में तो पूरे फेस पे लगाती थी, लेकिन फिर मैं क्या बोलता है नाइट में मैंने देखा कि मैंने वो हिस्सा लिया जिसमें दाग धब्बे हैं वहाँ लगाया अपने फेस पे, कि उस जगह पे लगाते हैं कि क्या काम करता है कि नहीं करता है। चूँकि आप पूरे फेस पे लगाएंगे, आपके पूरे फेस पे तो दाग धब्बे होंगे नहीं, तो जहाँ होते हैं उसको लगा के देखते हैं कि अगर पूरे फेस पे आप कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो भी आपके पिंपल्स के दाग या किसी घाव के दाग या कुछ भी दाग होते हैं जो उसका दाग नहीं मिटता है, उस पे लगा के मैंने देखा और फेस पे ही लगाया। मेरे यहाँ पे थोड़े से जब मुझे इचिंग होता है उसके बाद हो जाते हैं, फिर ठीक होते हैं। इचिंग जब होता है तो दाने हो जाते हैं, फिर वो अपना काला निशान छोड़ देता है, हल्का हल्का आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो मैंने लगाया और लगाने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला ये मैं आपको शेयर करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखते चाहिए कि मैं लगा रही थी। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इसमें तो 15 डेज का नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, इंसान इतना आलसी हो जाता है, लगाता है लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड करना भूल जाता है। और मेरे तो वीडियो का यही पंगा है कि मेरा मेमोरी फुल हो जाता है, तो बहुत बार तो ये होता है। तो यकीन मान के इस वीडियो को देखिए और जितने दिन तक लगाए हैं उससे ज़्यादा, तो जितने दिन तक लगाए हैं उतना तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ मैं, लेकिन जो भी की हूँ मैं दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं लगा रही हूँ। तो ये जब मैंने दिन में लगाया तो मुझे सही बताएं तो पहला तो आप अगर जब भी अपने चेहरे पर फिटकरी लगाएंगे या कहीं भी लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा ड्राइनेस फील होगा, थोड़ा सा फील होना ही है ड्राइनेस, क्योंकि वो ड्राइनेस फील कर देता है। तो ये मतलब आपके फेस में ड्राइनेस लाएगा और आपके फेस को थोड़ा सा ड्राई कर देगा। आपको लगेगा कि कुछ ऐसा लगा लिया है जो बहुत ज़्यादा ही ड्राई कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करेगा ड्राई, आपको फील हो जाएगा। जैसे कुछ फेस पैक लगाने से स्मूथ होता है, लेकिन नहीं, इसको लगाएंगे आप जब तो थोड़ा ड्राई करेगा। तो डे में मेरा यही हालत था, तो फिर मैंने नाइट में किया। नाइट में भी ड्राई करता था, मॉर्निंग में उठते थे फिश को वॉश कर लेते थे, लेकिन यकीन मानिए कि इचिंग उचिंग नहीं होता था मुझे उसको लगाने से, कोई इचिंग नहीं होता था, ना ही कोई ऐसा मुझे एलर्जी हो गया हो, ये सब मुझे नहीं हुआ मेरे फेस पे, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उससे मुझे इचिंग हुआ हो, रेडनेस आया हो या एलर्जी हुआ, नहीं हुआ, ना डे में हुआ ना नाइट में हुआ। डे में तो मैं 30 मिनट्स या 1 आवर ऐसे ही रखती थी, लेकिन रात को जब नाइट में लगाती थी तो होल नाइट रहता था वो, तो भी मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं फील हुआ। अब बात करेंगे दाग धब्बों के बारे में, तो मुझे कोई असर नहीं हुआ कि
कि मेरे दाग गए हैं कि नहीं गए। अभी यहाँ पे एक देखो छोटा सा यहाँ पे है, तो है ही, हल्का ही था, क्योंकि धीरे धीरे तो फेस पैक वगैरह लगाते रहते हैं तो धीरे धीरे रिमूव होगा ही, अच्छा खाएंगे तो रिमूव होगा ही। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि अच्छा खाइए और अच्छी नींद लीजिए और अच्छा सोचिए, हैप्पी रहिए, लेकिन होता नहीं। लाइफ है, लाइफ में कभी हैप्पीनेस सैडनेस सब मिलजुल के ही रहता है, लाइफ आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप टेंशन लेके बैठ जाओ। तो मैंने देखा तो मुझे कोई असर नहीं आया। हाँ, अगर आपके चेहरे पे गंदगी है तो इसको लगा के रख सकते हैं, रिमूव ये करता है गंदगी को, लेकिन दाग धब्बों को ख़त्म करता है ये 15 डेज में तो मुझे नहीं पता चला। हो सकता है कि 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ या 6 मंथ की तरह ठीक हो, जैसे कि मैंने जायफल में बताया था, लेकिन किसी ने उसका, बहुत लोगों ने, नहीं होता ये नहीं होता, अरे वीडियो तो आप लोग पूरा देख लिया कीजिए, तो नहीं हुआ, तो ये तो काम नहीं किया। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों तक मैं ट्रायल करूँ आलू का जूस, जो पोटैटो जूस होता है, यानी रस, आलू का रस और नींबू मिक्स करके लगाना, उसको भी देखते हैं अगर उसका रिजल्ट क्या है, सही में काम करता है कि नहीं करता है, देखते हैं और फिर उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो ये तो मुझे नहीं रिजल्ट, कुछ मुझे फ़र्क ही नहीं, समझ में ही नहीं आया कि ये किया क्या, मतलब कम किया क्या, अधिक किया, कुछ समझ में नहीं आया। कभी कभी तो डर गया, अरे लग रहा ज़्यादा ही कर दे रहा है क्या कुछ, लेकिन फिर जैसे उठते थे तो ठीक हो जाता था, इसीलिए समझ में नहीं आया। तो मैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि दाग को ख़त्म करता है कि नहीं करता है, 15 डेज में तो बिल्कुल भी नहीं, आगे हो सकता है कि 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर भी लग जाए। तो एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ आप लोग को कि ऐसा नहीं होता है कि दाग धब्बे ख़त्म नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट मेरे पास आते हैं कि मैं, मेरे चेहरे पे पूरा दाग हो गया है, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। तो पहले प्लीज़ मुझे उपाय बताइए। मैं जब ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अपने आप पे बुरा लगता है कि शायद मैं आप लोग के काम नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए कि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ पे वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन देखिए, मैं वीडियो बना के थक जाऊँगी, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आज जब कोई बोलता है प्लीज़, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उनके घर जाके उनको समझाऊँ, उनको मोटिवेट करूँ कि आप प्लीज़ अपने डाइट को चेंज करिए, अपने खान पान को, अपने दिनचर्या को चेंज करिए, और तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बात बताइए, जब आप बेबी बॉर्न होते हैं, मतलब जब पैदा होते हैं आप, तो एकदम छोटे से रहते हैं, मासूम से रहते हैं, तो क्या कोई दाग धब्बे आपके चेहरे पे या शरीर पे रहता है? नहीं ना, क्यों नहीं रहता है? होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मान लीजिए हो सकता है कि दाग धब्बे हों थोड़े बहुत जब आप पैदा होते हैं, तब तो क्या वो दाग धब्बे जाते हैं? नहीं, जीवन भर वो दाग धब्बे नहीं जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके शरीर पे कोई दाग नहीं था, तो जब यहाँ पे बड़े होने के बाद, एक एज होने के बाद, अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उससे डरिए मत, बस आपको फॉलो करना है अपना रूटीन, फॉलो करना है अपना डाइट, फॉलो हैप्पी रहना है, अपने आप को खूबसूरत फील करना है। दाग है और कुछ नहीं है, आपने कोई चोरी नहीं किया है। आपके चेहरे पे अगर दाग है तो दाग है, चोरी नहीं किया आपने कि आप मार्केट में नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। एकदम अपने आप को वैसे ही फील कीजिए जैसे कि आप पहले थे, बिल्कुल भी ऐसे मत फील किया। अगर कोई बोल भी रहा है आपको, अरे बहुत दाग हो गया है, तो एकदम सीधे बोलिए, हाँ दाग है, कोई बड़ा बात नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, आज है कल ठीक हो जाएगा। तो मत उनकी बातों को सुनिए, इग्नोर करिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, प्लीज़ इस टॉपिक पे ऑलरेडी मेरे पास, मेरे चैनल, इस चैनल पे वीडियो भरमार पड़े हुए हैं, आप लोग जाके देखिए, यकीन मानिए और उसको फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आप लोग का दाग धब्बा ठीक होगा। मैंने खुद सर्वाइव किया है इस चीज़ों से, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं कोई भी ऐसा चीज़ आप लोग के पास नहीं लेके आती हूँ जो कि काम ही ना करे, जो कि बकवास रहे। मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोग का टाइम या आप लोग का पैसा नहीं बर्बाद कर सकती। जब मैं अच्छा बताऊंगी, सही बताऊंगी, तभी आप लोग इस वीडियो, इस चैनल पे आओगे, तो यकीन मानिए मेरा।
मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है कि मैं हर एक इंसान से मिलूं और बोलूं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, जो इतने मतलब अपसेट हो गए हैं, इतने मतलब वन काइंड ऑफ, ये क्या होता है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो दाग की वजह से, तो मत करो, प्लीज़ मत करो। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको बस अपना रूटीन अच्छा सही करना है। आप लोग पहले मेरे और वीडियो को देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, और वो काम भी करता है। एक जूस है जिस जो भी मैंने बनाया है, अगर वो रोज़ आप जूस लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके चेहरे पे एक ग्लो नज़र आएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ अंदर से ठीक होना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बाहर से फेस पैक या लगाने में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं अंदर से बिलीव करती हूँ कि अंदर ठीक रहूँगी तभी बाहर ठीक नज़र आऊँगी। एक दिन मैं अगर नींद नहीं लेती हूँ अच्छे से तो मेरे चेहरे थोबड़े पे दिखता है, तो समझिए बात को। तो अगर आप उस टेंशन में ही जिएंगे तो कैसे ठीक होगा? पहले उस टेंशन को हटाइए, उस चीज़ों से दूर होइए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आप पे, कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है ये तो बहुत मोटी है, ये तो बहुत काली है, तेरे चेहरे पे बहुत दाग है, प्लीज़ उन लोगों से दूरी बना लीजिए। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।